भाई मोटो ब्लॉगिंग का कुछ ऐसा होगा भाई आप लोग का एंगल भाई एमटी और एफजेड में आता है ये हैंडल, तो मैंने लगा लिया भाई। तो करीबन कॉस्ट इसका ZX10R में तो यहाँ पर भी लिख देंगे भाई ऐसे। और भाई अच्छा अच्छा मॉडिफिकेशन भाई, पॉल्यूशन भी होने वाला है खत्म। गाइस गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो बहुत दिन के बाद शुरुआत, तो यहाँ पर एक फेरिया निकला है भाई, देखो कैसा भाई। मतलब ईयर में आ रहे थे जिम से, तो जिम से आके आके ब्लॉग बनाया, तो इसने भी बोला बहुत दिन से ब्लॉग नहीं आ रहा था तो ब्लॉग बना दे, और मैं भी सोचा एक ब्लॉग बना ही देता हूँ। और आज मतलब ये ब्लॉग एकदम ही स्पेशल होने वाला है, तो क्या स्पेशल है आप लोग को पता चलेगा। तो एंड में अभी देखो ये रास्ते में फ्री फायर खेल खेल के जा रहे हैं भाई, तो आज ये ब्लॉग एकदम स्पेशल होने वाला है, तो क्या स्पेशल होने वाला है आप लोग को आगे पता चलेगा। तो ये ब्लॉग मतलब अपने बाइक सर्विसिंग में जाने वाला है, तो बहुत ही अच्छा मॉडिफिकेशन होगा भाई। बजाज वालों से कॉन्टेक्ट कर लिया मैंने, तो क्या मॉडिफिकेशन होगा सरप्राइज है आप लोग को आगे पता चलेगा। तो मिलते हैं भाई आगे। भाई अभी चलते हैं भाई, जिम से आए हो थोड़ा भाई शरीर दर्द कर रहा है, तो घर चल के बात करते हैं भाई। तो गाइस सीन ऐसा हो गया कि हम लोग ने बाइक भाई अपने फ्रेंड को भेज दिया, इमरादुल भैया को, जो हम लोग का बाइक मैकेनिक फ्रेंड है, तो उसको भेज दिया। बाइक मैकेनिक फ्रेंड नहीं है, छोटा बचपन का ही दोस्त है स्कूल का, तो उसको भेज दिया, तो वो लाके हम लोग को दुकान में दे देगा। तो अभी चलता हूँ मैं दुकान, तो वहाँ पर आप लोग को बाइक दिखा दूँगा भाई, तो मिलते हैं भाई। तो गाइस हम लोग आए थे शोरूम में, तो अभी इसका मॉडिफिकेशन कर लिया भाई। फिर हैंडल बार देखो भाई कैसा ओपी भाई, एकदम मॉडिफिकेशन भाई हैंडल बार। और भाई देखो भाई क्या ही अच्छा हैंडल ग्रिप भाई, साइड में लगा के आप लोग को बता दे भाई। तो ये है इसका रिएक्शन, और आप लोग को मोटर वॉगिंग ऐसा देखने को मिलेगा भाई, तो क्रेजी मोटर वॉगिंग देखने को मिलेगा भाई आप लोग को 2-3 दिन से भाई। ओपी होगा भाई, ओपी देखो भाई, मोटो ब्लॉगिंग का कुछ ऐसा होगा भाई आप लोग का एंगल। तो आज हेलमेट सेटअप नहीं है, तो कभी बताते आगे रुक के भाई। आते आते मैं यहाँ पर रुका, प्लेग्राउंड गॉर्डन प्लेग्राउंड भाई, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बाहर में रुका। और आप लोग को हैंडल चेक करने के लिए आया था भाई, एमटी का हेलमेट है भाई, हैंडल एमटी भाई, एमटी और एफजेड में आता है ये हैंडल, तो मैंने लगा लिया भाई। तो करीबन कॉस्ट इसका भाई 1500 भाई, 1500 में पूरा मिल गया। हैंडल बार है भाई 1000 का, और ये क्लेम वगैरह वगैरह भाई फिटिंग चार्जेस मिला के भाई 1500 में हो गया। और दोस्त था ना, तो मतलब अभी इसको ना थोड़ा यहाँ पर दिक्कत आ रहा है, यहाँ पर लग जाता है ये वाला एंगल यहाँ पर लग जाता है, तो थोड़ा इसको मतलब सेट करवाना पड़ेगा, इसको सेट करवाना पड़ेगा। तो मैंने भाई के साथ बात कर लिया, इमरादुल भाई के साथ बात कर लिया, तो वो बाइक मतलब ले जाएगा संडे से पहले, तो संडे से पहले ये और थोड़ा छोरा करने वाले हैं, नहीं तो यहाँ पर ही मतलब इसको ना हिले तो इसको थोड़ा आगे भी कर सकते हैं, तो इसको भाई। और यहाँ पर आप लोग कमेंट करो, तो यहाँ पर आप लोग को दिखने को मिल जाएगा डान ओलवारी ब्लॉगर, तो ये यहाँ जगह इस जगह लिख लेंगे जैसे होता है ना ZX10R में, तो यहाँ पर भी लिख देंगे भाई ऐसे। और भाई अच्छा अच्छा मॉडिफिकेशन भाई, यहाँ पर देखो ऐसा होने वाला है भाई अपन का मोटो ब्लॉगिंग, इतना एंगल होगा भाई मोटो ब्लॉगिंग का, इतना एंगल होगा, बहुत अच्छा लगेगा अभी मोटो ब्लॉगिंग देखने का। से गाइस हम लोग चलते हैं, मैं चलता हूँ मतलब फिलहाल गाइस मैं चलता हूँ पॉल्यूशन करने के लिए, तो हम लोग का गाड़ी का पॉल्यूशन भी होने वाला है ख़त्म, तो एक मंथ है, तो पॉल्यूशन करवा लेते हैं, तो पॉल्यूशन करवा के हम लोग जाएंगे शॉप, तो रात को कर देंगे बाय बाय। तो पहले चलते हैं भाई, इसका तेल भी नहीं है, तेल भी डलवाना पड़ेगा, फिर उसके बाद पॉल्यूशन भी करना पड़ेगा भाई। हम लोग पहुँच गए पेट्रोल पंप, तो पेट्रोल पंप पहुँच के अभी हम लोग, पहले तो भाई इतना सारा भीड़ है भाई देखो, तो पहले हम लोग पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद POC करेंगे भाई, पॉल्यूशन करना ही पड़ेगा भाई, इसका पॉल्यूशन नहीं होगा तो भाई 15,000 तक चालान काटते हैं भाई, तो पॉल्यूशन करवा लेते हैं। और लीगल होना अच्छा लगता है भाई, इनलीगल नहीं होना भाई।
तो भाई साहब हम लोग करने वाले हैं पीयूसी, तो पीयूसी पहले इंजन कर लेते हैं स्टार्ट, उसके बाद पीयूसी कर लेते हैं भाई। तब उनका पॉलिसी, तो बाइक का पॉलिसी कर लिया, तो अभी चलते हैं भाई स्टोर, मेरे सब्जी दुकान में भाई। पॉल्यूशन वॉल्यूशन करवा लिया, तो अभी चलते हैं घर भाई। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे